व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुबशिर ट्री ऑफ नॉलेज वन की जानिब से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पायरामिड के बारे में पायरामिड की लॉजिक समझेंगे। फॉर एग्जांपल, ये पायरामिड इस तरह होता है। ये पायरामिड जो नीचे से ऊपर इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह। और जो कंप्यूटर में है वो उनमें हम ये स्टार की जो उसमें स्टार यूज़ करेंगे पायरामिड में बनाने में, ठीक है, स्टार यूज़ करेंगे। तो ये देखें, फ़र्ज करें हमारे पास जो पायरामिड की पहली लाइन है वो फोर स्टार्स की है, ठीक है। और जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा तो ये एक एक स्टार कम होता जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं, ये देखें कितने एक एक स्टार कम होता जाएगा। ये देखिए, इस तरह हमारे पास ये पायरामिड बनता है। तो दोस्तों, अब इनको टोटल करें तो ये हमारे पास कितने बनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दस पहले वाले का फोर है, दूसरे का थ्री है, तीसरे का टू है और वन। अब हमने इसको जब प्रोग्राम लिखना है तो इस तरह का प्रोग्राम लिखना है कि ये एक एक कम होता जाए। मतलब जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ लिखे हैं, ये देखो चार नंबर ऑफ़ रोज़ है ना, देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ भी चार हैं और जो सबसे बड़ा पार जो रो है वो भी उसका जो उसमें नंबर ऑफ़ ये जो ये भी चार हैं, ठीक है। मतलब जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और ये जो नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने मद्देनज़र रखना है। तो आइंदा इंशाल्लाह बाकी अगले वीडियो में आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको ये हमने इस लॉजिक को मद्देनज़र रखते हुए अपना प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। और ये देखें, इनमें स्पेस भी है, ठीक है, चार के बाद फिर स्पेस है, ठीक है। तो इसको हम मद्देनज़र रखेंगे। तो दोस्तों, अब अगली वीडियो में हम इसकी एग्जांपल कंपाइल करके तो रन करके देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।